देखिए व्हाट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड टचिंग दैट द मेजर ऑडियंस इज ऑफ एज जो उसके 20 साल बाद पहले रिलीज हुई होगी 25 साल पहले. आई मेट अ गर्ल हु इज 26 और पिक्चर जो है 50 साल की होने वाली है. तो दैट्स वंडरफुल दैट दे हैव हर्ड इट परहैप्स फ्रॉम देयर पेरेंट एंड और दे मे बी दे हैव सीन इट ऑन टीवी और समथिंग बट at every scene and whenever a new character was appearing on the screen there was a tremendous reaction in the hall. That's wonderful. आज लगी फिल्म जो है इस स्टूडियो होनिक है पर आपको अंदर बैठ के 5.1 का इफेक्ट नजर आ रहा होगा क्योंकि चारों तरफ से लोग डायलॉग्स बोल रहे थे. जी हां बिल्कुल बिल्कुल कोई शक जी. और इस बारे में मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब जब आप देख रहे हैं जी ज़हन में आपके किसी सीन पे किसी शॉट पे क्या चल रहा था. नहीं मुझे ये लगा देखिए दैट्स व्हाई दिस फिल्म हैज सर्वाइव्ड फॉर मेनी इयर्स एंड परहैप्स विल कंटिन्यू फॉर मेनी इयर्स दैट इवन टुडे इट डजंट लुक लाइक अ डेटेड फिल्म. सो हैट्स ऑफ टू नॉट ओनली टू द स्क्रिप्ट और द परफॉर्मर बट द डायरेक्टर रमेश सिप्पी एंड द्वारका देवेचा द कैमरा मैन. जावेद सर, नो डाउट अबाउट जानना चाहूंगी 50 साल होने जा रहे हैं इस फिल्म को जी और लोग आज भी पसंद कर रहे हैं. इवन मैं छोटे बच्चों को भी देखी वो लोगों की सेकंड टाइम वाचिंग फिल्म है. जी हाँ जी हाँ बड़े पर्दे पे देख रहे हैं जी सही. और आपने जब इतने आवाजों की चिल्लाहटो देख सुने तो क्या लग रहा है एक बार फिर से जिंदगी जी रहे हैं आप लोग. नहीं नहीं बिल्कुल अजीब खुशी होती है और विश्वास भी बड़ी मुश्किल से आता है कि आज भी लोगों में इतना एंथुसिएज्म जो कैरेक्टर आता है स्क्रीन पे पूरा हॉल रिएक्ट करता है. तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी फिल्म होगी जिसके छोटे छोटे कैरेक्टर बिट प्लेयर जो है वो भी आज एडवर्टीजमेंट में यूज होते हैं सिटकॉम्स में होते हैं कॉमिक शोज में होते हैं दूसरी फिल्मों में उनका रेफरेंस होता है चाहे वो मौसी हो चाहे कालिया हो चाहे गब्बर तो मेजर कैरेक्टर मैं तो इन कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ गब्बर और जय और वीरू और बसंती तो ठीक है लेकिन एक एवरी कैरेक्टर पीपल रिमेंबर दे रिमेंबर देयर डायलॉग वो तो उनके बोलने से पहले खुद बोल रहे हैं तो दैट्स वंडरफुल ये मैजिक. अगर बात करें कास्टिंग की तो जब उस टाइम आप कास्टिंग सोचे थे तब थोड़ी बहुत ऐसी लगी होगी कोई लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन हर एक कास्ट को पसंद किया. नहीं हमको ये यकीन था कि पिक्चर चलेगी इसमें हमको कोई शक नहीं था. जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो फिल्म इंडस्ट्री ने इसकी ऑब्यूचुअरी लिख दी थी कि ये तो नहीं चली और स्पेशल इश्यूज निकले थे बिजनेस पेपर्स के व्हाई शोले हैज फ्लॉप. इवन देन वी वर श्योर एंड वी गेव एन एट दैट दिस पिक्चर विल बी अ सुपर हिट. जी उन्होंने कहा कि फिल्म में चल जाएंगी और हमें ऐसा लगेगा कि सच में पहली बार रिलीज नहीं हो रही है. आई नो पर आप क्राउड देखो. हाँ सही फिल्म में सच में एक बार नहीं चल रही. अगर बात करें कि डायलॉग की तो हर एक डायलॉग लोग काफी पसंद कर रहे तो आप कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे जब आप कोई डायलॉग लिख रहे थे. अरे मेमोरी नहीं कुछ नहीं इट्स द फर्स्ट वर्जन. अगली चीज पूछूंगा जावेद सर कि जब आप डायलॉग लिख रहे थे जब आपने फिल्म लिखी थी उस वक्त और अब जब फिल्म के 50 साल बाद जब भी लोग इस फिल्म के बारे में लिखते हैं कोई इसको सोशली सोशल जो मुद्दे हैं उनसे कनेक्ट करता है कोई उसका अलग अलग चीज़ नहीं नहीं उसे कोई मुद्दे से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं 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 बिकॉज देयर इज नो सोशियो पॉलिटिकल मैसेज इन दिस फिल्म इट इज जस्ट अ स्टोरी ऑफ पीपल एंड समहाउ ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कैरेक्टर्स उसमें आ गए हैं जो गांव को अच्छा लगता है शहर के लोगों को अच्छा लगता है मिडिल क्लास को अच्छा लगता है यंगस्टर्स को अच्छा लगता है औरतों को अच्छा लगता है तो कुछ इसमें एक मैजिक आ गया है. वो मैजिक का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लान करके हुआ था वरना तो हम हर बार शोले ही लिखते लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी कैप्चर हो जाती हैं कि बस हो गई तो इनमें से हो. तो सर आज की जनरेशन में ऐसा कुछ शोले जैसा आप कुछ फिर से बनाने की सोचेंगे? नहीं नहीं शोले जैसे बनाने की नहीं सोचना चाहिए. अब आप अच्छी फिल्म बनाइए जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है वो बनाइए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यंग लोग ऐसी बात नहीं. वो कौन शोले बन जाएगी वो बात की बात मगर आप शोले बनाने की कोशिश मत. आज की जनरेशन के शोले जैसी मूवी कौन सी लगती है? अभी आएगी क्यों नहीं आएगी जरूर आएगी उससे बेहतर आएगी. प्राइम होने जा रहा है ये वीडियो आपकी स्टोरी दिखाई जाएगी ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अब आप? मैसेज तो क्या देना चाहेंगे आप हम लोग की अभी जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो आप देखिए कि हम कहाँ से आए कैसे आए बस यही मैसेज. आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला था आप लिखने वाले हैं दोनों मिलकर स्टोरी तो बात सही देखो है। पता नहीं अभी कुछ तय नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है दुनिया है हर चीज़ पॉसिबल है. थैंक यू थैंक यू सो मच.